डायरेक्टर आईबी श्री राजू जी जैन, डीजीबी पीआरएनडी श्री एपी माहेश्वरी, एडीजीबी पीआरएनडी श्री वीएस देशमुख, पास्ट प्रेसिडेंट फिक्की श्री वाई के मोदी, डायरेक्टर बीपीआरएनडी श्री करुणा सागर, चेयरपर्सन फिक्की होमलैंड सिक्योरिटी श्री राहुल जी, हमारे सीएपीएफ और सीपीओस के सभी डायरेक्टर जनरल्स और एमएचए के सभी अधिकारी वर्ग और विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हमारे युवा पुलिस ऑफिसर्स और इंडस्ट्री की तरफ से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण और मीडिया के मेरे मित्रों एवं अन्य अधिकारी वर्ग, आज जब इस कार्यक्रम में मैं विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मैं चर्चा करना चाहूंगा कि आज हम लोगों के लिए एक विशेष यह दिवस है, कारगिल विजय दिवस। और मैं समझता हूं कि कारगिल में जो विजय हमको हासिल हुई थी, हर भारतवासी का मस्तक ऊंचा हुआ था, लेकिन बहुत सारे हमारे बहादुर जवानों ने अपनी जानें गंवाई थी, शहीद हुए थे। तो कुछ भी कहने के पहले मैं सारे ऐसे अपने शहीद जवानों के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनका मैं स्मरण भी करना चाहता हूं। और इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से मैं डीजीबी पीआरएनडी मिस्टर एपी माहेश्वरी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यंग सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और साथ ही साथ कमांडेंट्स, इनकी कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की है और साथ ही साथ पुलिस एक्सपो का भी कार्यक्रम साथ में रखा है। और इस कार्यक्रम में फिक्की का भी सहयोग प्राप्त है। और मैं समझता हूं कि उद्यमियों के साथ हमारे जो पुलिस यंग ऑफिसर्स हैं, उनको उनके नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को भी यह शेयर करने का यह अवसर मिलेगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और साथ ही पुलिस एक्सपो का जो कार्यक्रम रखा गया है तो टेक्नोलॉजी के साथ भी उनका इंटरफेस होगा। यह कॉन्फ्रेंस पुलिस एक्सपो और फिक्की यह दोनों के सहयोग से हो रहा है। इसमें नई नई जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, इन नई टेक्नोलॉजीज के नए नए प्रोडक्ट्स भी आप सबके समक्ष प्रदर्शित किए जाएंगे। और मैं समझता हूं इससे हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके मॉडर्नाइजेशन में भी काफी हद तक मदद मिलेगी। मुझे यह भी जानकारी दी गई है कि एक स्क्रीनिंग कमेटी भी बीपीआरएनडी ने बनाई है और यह स्क्रीनिंग कमेटी प्रोडक्ट्स का इवैल्यूएशन करेगी और प्रोडक्ट्स का इवैल्यूएशन करने के बाद अपनी यह रिकमेंडेशन भी देगी। और यह भी मुझे बतलाया गया है कि पिछले वर्ष भी यह कार्यक्रम था, मैं भूल गया था इसे, लेकिन मेरी जानकारी मिला है। और मैं चाहूंगा कि इसका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि जो हम इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो इसका हमें कितना लाभ प्राप्त हुआ, उपयोगिता का भी, हर कॉन्फ्रेंस की उपयोगिता का भी मूल्यांकन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए एक निश्चित समय अवधि के बाद, ऐसा मैं मानता हूं। पुलिस को आज तक बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्राइम्स होते हैं और मैं मानता हूं कि जो कॉम्प्लेक्स क्राइम्स होते हैं पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा यह चैलेंज होता है। इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारी पुलिस के पास मॉडर्न टेक्निक हो और साथ ही साथ मॉडर्न वेपन्स भी उसके साथ होने चाहिए ताकि ऐसे सातिर क्रिमिनल्स का वह सामना कर सकें। अतः क्राइम्स को सॉल्व करना और मॉनिटरिंग और उसकी एनालिसिस करना यह भी अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे तरीके और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की जरूरत है ताकि क्राइम होने से पहले ही उसे रोक दिया जाए। और शायद इसी को हम प्रेडिक्टिव पुलिसिंग कहते हैं, यही प्रेडिक्टिव पुलिसिंग कहलाती है। और इस प्रकार की प्रेडिक्टिव पुलिसिंग क्राइम्स के रोकने में काफी हद तक सफल रही है।
भारत में उतनी सफल भले ही न रही हो, लेकिन मैं जानता हूं कुछ देशों में जाने का मुझे अवसर मिला है। चाइना में भी मैं गया था और विशेष रूप से वहां की जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां के ऑफिसर्स के साथ भी मेरा इंटरेक्शन हुआ था और उन्होंने मुझे इस बात की जानकारी दी थी कि उन्हें इस सिस्टम को डेवलप करने के कारण जो है काफी कामयाबी मिली है। मुझे विश्वास है कि हमारी पुलिस फोर्स भी क्राइम्स की रोकथाम में टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग करेगी। अब कई प्रकार के चैलेंजेज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। अब सारे जो चैलेंजेज हैं उनकी बहुत डिटेल में जाकर यहां चर्चा करने का भी कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जैसे मैं कोस्ट लाइन में देखता हूं तो कोस्ट लाइन भी भारत की बहुत बड़ी है, लगभग 7000 किलोमीटर से अधिक की हमारी कोस्ट लाइन है। और इस कोस्टल सिक्योरिटी के लिए भी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एमएसए ने भी बनाई है और मैं जानता हूं कि इसमें नेवी, कोस्ट गार्ड और कोस्टल पुलिस, इन तीनों का रोल होता है। लेकिन मैंने जो महसूस किया है अभी तक, इस बात की आवश्यकता है कि इन तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। और वैसे तो एमएसए द्वारा पहले से ही कोस्टल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कई स्टेप्स लिए गए हैं और कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम भी तैयार की गई है। और इसके लिए आवश्यक है कि गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच एक कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए और केवल कोऑर्डिनेशन से ही काम नहीं चलेगा, आवश्यक है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रॉपर एक ट्रेनिंग भी उनकी होनी चाहिए ताकि जो भी इंफॉर्मेशंस प्राप्त होती हैं उन इंफॉर्मेशंस के आधार पर जितनी जल्द से जल्द हो सके वह कार्रवाई कर सकें। और मुझे यह खुशी है बताते हुए कि नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग ट्रेनिंग के दायित्व का अपना निर्वाह कर रही है। हम इस ट्रेनिंग को और अधिक कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि यह बीपीआरएनडी ऑर्गेनाइजेशन उस संबंध में निश्चित रूप से विचार करता होगा समय समय पर और उसमें क्या इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है उसके लिए वह प्रयत्न भी करता होगा। मॉडर्न इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पर सभी ने बल दिया है पूर्ववक्ताओं ने और मैं समझता हूं कि मॉडर्न इक्विपमेंट्स आज पुलिस एक्सपो में लोगों को दिखाए भी जाएंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी उनको अवगत कराया जाएगा, इसकी आज जरूरत है। लेकिन मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ बहुत सारे ऐसे चैलेंजेज भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने आते हैं जहां पर बराबर लेथल वेपन के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि नॉन लेथल वेपन्स के भी प्रयोग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि और केवल नॉन लेथल वेपन्स की ही नहीं बल्कि यह मैं मानता हूं कि लेस लेथल वेपन्स की भी जरूरत होती है और कभी कभी किसी भी बड़े चैलेंज को बीट आउट करने के लिए केवल लेथल वेपन्स की ही नहीं बल्कि लेस लेथल वेपन्स और नॉन लेथल वेपन्स भी काफी कारगर सिद्ध होते हैं। और प्रसन्नता है कि बीपीआरडी ने नॉन लेथल वेपन्स की टेक्नोलॉजी पर रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार किया है और मुझे इस बात की भी जानकारी दी गई है कि हमारे बहुत सीएपीएफ के जो डिजीज हैं उनके साथ भी इसको शेयर किया गया है। क्राइम को रोकने के लिए बहुत तरह तरह के चैलेंजेज होते हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, केवल इन सब सारी चीजों को फ्लैग करने की आपके सामने मैं कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे ड्रोन की भी आवश्यकता महसूस होती है, ड्रोन और यूएवी इसकी भी आवश्यकता होती है। मैं यह मानता हूं कि इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी हमको प्रयोग करने की जरूरत है। इसके साथ ही जहां तक फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी की उपयोगिता का प्रश्न है उससे हम लोग परिचित हैं, लेकिन इस फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी की उपयोगिता को भी बढ़ाने की और आवश्यकता मैं महसूस करता हूं, क्योंकि ऐसे भी वक्त आते हैं जब कभी कभी जो क्रिमिनल्स होते हैं अपने बयान बदल देते हैं अथवा जो भी इविडेंसेस होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं, उन साक्ष्यों को भी वह नष्ट कर देते हैं और जब वह बयान बदलते हैं, इविडेंसेस को नष्ट कर देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह अदालत से बरी हो जाते हैं।
और इसलिए मैं यह आवश्यक समझता हूं कि हम सभी लोग फोरेंसिक सेटअप को भी स्ट्रेंथन करें, और मुझे जानकारी है इस बात की कि हम लोगों ने उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की भी है ताकि क्रिमिनल्स का बचना किसी भी सूरत में संभव न हो पाए। चौथी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, शहरीकरण अर्बनाइजेशन बहुत ही तेजी के साथ हो रहा है, ट्रैफिक मैनेजमेंट की प्रॉब्लम भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं समझता हूं दिल्ली के लोगों को भी इस प्रॉब्लम को बहुत अधिक फेस करना पड़ता है, समय समय पर लोगों की शिकायतें भी मिलती हैं। अब इस चुनौती से भी निपटने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि और क्या कारगर ऐसे तरीके हो सकते हैं। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगभग देश में 100 से अधिक स्मार्ट सिटीज को बनाने का फैसला किया है। अब स्मार्ट सिटीज की यदि हम कल्पना करते हैं तो उसमें स्वाभाविक है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और ट्रैफिक मैनेजमेंट के बिना फिर स्मार्ट सिटीज की जो हमारी कल्पना है वो किसी भी सूरत में साकार नहीं हो पाएगी। पुलिस को जैसा मैंने पहले भी कहा कि वेल इक्विप्ड होने की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी से भी पूरी तरह से अवेयर होने की आवश्यकता है। तो हम सभी जानते हैं कि मोबाइल आज सबके हाथों में है, मोबाइल यदि सबके हाथों में है तो आप यह भी जानते हैं कि हर मोबाइल में ऐप की व्यवस्था रहती है, और क्राइम रोकने के लिए मैं यह मानता हूं पुलिसिंग ऐप के उपयोग की भी हर पुलिस के अधिकारी और जवान को जानकारी होना भी आवश्यक है, और हमारी पुलिस नागरिकों की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए और अधिक बेहतर सेवाएं देने के लिए ऐप को डेवलप करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं पांचवी चीज जो बेसिक ट्रेनिंग की बात मैं करना चाहता हूं, बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन हम जैसी अपेक्षा करते हैं ट्रेनिंग के माध्यम से कि हमारे पुलिस के जवान हों अथवा ऑफिसर्स हों निकलेंगे, उसको लेकर भी लोगों की शिकवा शिकायतें रहती हैं कि हम पुलिस से जिस प्रकार का व्यवहार चाहते हैं और पुलिस से हमारी जो अपेक्षाएं रहती हैं उसके अनुरूप न पुलिस व्यवहार करती है और न उस रूप में वह काम कर पाती है। मैंने जो अनुभव किया है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए और गृह मंत्री रहते हुए, हमें इन चीजों के साथ यह आवश्यक है, व्यवहार कुशल होना चाहिए, बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत ही एफिशिएंट होना चाहिए, बहुत कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यह सब सारी बातें अपने जगह सही हैं। लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि उन पुलिस ऑफिसर्स की कुछ जो कठिनाइयां हैं उनके भी जो अपने चैलेंजेज हैं उसको भी हमको समझने की जरूरत है। मैंने देखा है कि हमारे पुलिस के जवान और कभी कभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स को भी मैंने देखा है, वर्कलोड इतना अधिक होता है, इतनी अधिक व्यस्तता होती है, इतनी अधिक जिम्मेदारी होती है कि कभी कभी हमारे पुलिस के जवानों को तो आप समझ लीजिए कि एक बार उन्होंने कुछ नाश्ता कर लिया, एक समय भोजन यदि कर लिया तो कभी कभी 18-18 घंटे मैंने देखा है कि कंटिन्यूअस उनको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। अब स्वयं आप यह कल्पना कर सकते हैं कि उनका माइंड सेट उस समय कैसा होगा, तो उसके कारण भी यह संकट पैदा होता है। अब उसको भी हमको ठीक करने की जरूरत होगी, और साथ ही साथ हर व्यक्ति भावनात्मक एक प्राणी है, इस हकीकत को हमको समझना चाहिए। मैं तो यह भी अपेक्षा करता हूं चाहे हमारा पुलिस इंस्पेक्टर हो, चाहे उस शहर का पुलिस ऑफिसर हो, पुलिस सुपरिंटेंडेंट हो, यदि कहीं हमारे पुलिस के किसी भी कर्मचारी के सामने पारिवारिक भी यदि कोई कठिनाई यदि पैदा होती है, यदि उसकी जानकारी में यह बात आती है तो उसका भी कॉग्निजेंस हमको लेना चाहिए, और उसमें हम जो भी मदद कर सकते हैं उसमें हमको मदद भी करनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से भावनात्मक रूप से वह जुड़ेगा और उसके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हमारे ऑफिसर्स हमारी चिंता करते हैं, हमारे सामने कोई कठिनाई पैदा होगी, कोई मुसीबत पैदा होगी तो बराबर हमारे साथ खड़े रहेंगे। मैंने देखा है कि इसकी कभी कमी बराबर कमी देखने को मिली है पहले कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स को भी मैंने देखा है। मुझे याद है एक मर्डर हुआ था और उस समय मैं यूथ पॉलिटिक्स में करता था, एक डिप्टी एसपी
उनसे मिलने के लिए मैं गया। मिर्जापुर जिले की बात है, जब उनसे मैं मिलने गया और मैंने बताया कि मर्डर ऐसे ऐसे हुआ है, पुलिस ने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो उन्होंने इंस्पेक्टर को तलब किया। और इंस्पेक्टर को तलब करने के बाद जो ही वह इंस्पेक्टर उनकी चार दीवारी तक पहुंचा होगा, जो ही पहुंचा होगा, उन्होंने ऐसी भद्दी भद्दी गालियां उसको देनी प्रारंभ कर दी। डांटने का एक तरीका होता है कि मैं काम लेकर गया था, लेकिन मैंने कहा कि चाहे आप जिस तरीके से इस पुलिस इंस्पेक्टर के साथ, भले ही इसने काम न किया हो, सही काम न किया हो, लेकिन जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं, इसे मैं पसंद नहीं करता हूं। और इतना कहकर मेरा काम भी नहीं हुआ और मैं उठकर चला आया। हम कैसे बिहेव करते हैं अपने सबॉर्डिनेट के साथ, अपने फोर्स के जवानों के साथ, इस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि हम इस दृष्टि से भी यदि थोड़ा सजग रहें तो बहुत सारे चैलेंजेस को मीट आउट करने में हमको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और बीपीआरडी ने भी स्टडी किया है कि इस संबंध में, और उन्होंने राज्यों को रिपोर्ट भेजी है कि हमें क्या क्या करना चाहिए इस चीज को डेवलप करने के लिए, मैंने व्यवहार कुशलता को और अधिक बेहतर बनाने के लिए। मैं समझता हूँ इस पर भी विचार करेंगे आप लोग, और आगे क्या हो सकता है इसकी भी करने की कोशिश करेंगे। आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया का यह जमाना है, इंटरनेट और सोशल मीडिया की उपयोगिता भी है, इसमें भी कहीं दो मत नहीं है। तो इसका हम ये नहीं कह सकते कि इसके कारण जो प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं सोशल मीडिया के कारण, विशेष रूप से बहुत बड़ी चुनौती है। पहले तो यह होता था कि लोग मीटिंग्स करते थे, लोगों को इंस्पायर करते थे, कभी कभी उनको इंस्टिगेट करते थे कि यह हमारा इशू है, यह हमारा मुद्दा है, इसको लेकर हमको आंदोलन करना है, इतने लोगों को इकट्ठा करना है। एक दो आंदोलन हमने ऐसे देखे हैं सारे देश भर में, भी हाल में ही एक दो आंदोलन हुए थे, किसी ने कोई मीटिंग नहीं की, किसी कमरे में बैठकर कोई कुछ एक कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र भी रचने की कोई जरूरत नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी अफवाहें फैला दी जिसके कारण एक आंदोलन जगह जगह खड़े हो गए। यह बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर भी सोशल मीडिया की उपयोगिता भी है, तो सोशल मीडिया का हम अधिकतम सार्थक उपयोग कैसे कर सकते हैं, और अधिक से अधिक यह सार्थक उपयोग सोशल मीडिया का हमारे पुलिस के अधिकारी और हमारे पुलिस के जवानों के द्वारा भी किया जाना चाहिए, यह हमारी अपेक्षा है। बीपीआरएनडी ने एक प्रोजेक्ट स्टडी तैयार कर राज्यों की पुलिस को इस भेजा है, यह भी मुझे बतलाया गया है। मेरा एक सुझाव है इस संबंध में कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, यहां के जो टैलेंटेड हमारे जो इस प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप पर हम उन्हें बुला सकते हैं, इस संबंध में भी विचार करने की जरूरत है। और आप अपनी चुनौतियों से उन्हें अवगत कराएं, और साथ ही साथ उन्हें इस बात के लिए भी मोटिवेट करें कि वह क्या इस प्रकार के चैलेंजेस से निपटने के लिए कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, इसकी भी आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे हाईली रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, क्या हम उनको भी रिसर्च के काम में लगा सकते हैं, इस संबंध में भी मैं समझता हूं सोचने की जरूरत है, ताकि जो हमारे चैलेंजेज हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनका वो सोल्यूशन वो डेवलप करने की अपनी तरफ से कोशिश करें। हम बड़ी मात्रा में आर्म्स और वेपन्स इंपोर्ट करते हैं, बाहर से हम मंगवाते हैं। और अभी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट फिक्की मोदी जी ने यह कहा कि आवश्यकता है हम इंडिजिनस यह सब सारे वेपन्स यहां पर तैयार करें, इसकी कोशिश होनी चाहिए। और मुझे यह बतलाते हुए खुशी है कि अब यह काम बड़ी तेजी के साथ मेक इन इंडिया के तहत भारत में हो रहा है, और हम इंडिजिनस आर्म्स और इक्विपमेंट्स भी यहां पर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इस दृष्टि से और अधिक कुछ करने की जरूरत है। इस समय जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है,
अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, जो इस समय हमारी टेक्नोलॉजी है उसका बेस्ट यूज हम कैसे कर सकते हैं, इस संबंध में भी हमारी महारत होनी चाहिए, हमारी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। और साथ ही साथ प्रॉब्लम बेस्ड जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको भी ढूंढने की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कभी कभी आउट ऑफ बॉक्स भी थिंकिंग की जरूरत होती है। और मैंने देखा है कि जो नए नौजवान होते हैं वो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज भी समय समय पर वो देने का काम करते हैं। ऐसे नौजवानों को भी अपने बीच के पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं जो कि बराबर आउट ऑफ बॉक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है वो सोचते रहते हैं, तो इसको भी और अधिक प्रमोट करने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं वह पुलिस एक्सपो से और साथ ही साथ यहां जो भी इंटरेक्शन होगा उससे अधिक से अधिक वह लाभ उठा सकेंगे। और साथ ही साथ मॉरल वैल्यूज की बात सभी करते हैं, मॉरल वैल्यूज को जहां तक इनकलकेट कराने की बात होती है वह केवल शिक्षा देने से और बोलने से मॉरल वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट किसी का नहीं बढ़ाया जा सकता, अथवा मॉरल वैल्यूज को इनकलकेट नहीं किया जा सकता। मॉरल वैल्यूज को इनकलकेट कराने के लिए, मॉरल वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट बढ़ाने के लिए सचमुच ऊपर की तरफ व्यक्ति देखता है बराबर। तो मैं समझता हूं सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह बनती है सीनियर ऑफिसर्स की बनती है, और केवल सीनियर ऑफिसर्स की भी नहीं बनती है बल्कि जो उस विभाग को लीड करते हैं, मंत्रालय को लीड करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। समय समय पर अब यहां पर हमारे डायरेक्टर जनरल आई भी बैठे हैं क्योंकि लगभग प्रतिदिन का इनके साथ इंटरेक्शन होता रहता है, इन सब सारी चीजों को लेकर पुलिस को लेकर अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर मैं बराबर इस संबंध में चिंता व्यक्त करता रहता हूं। तो मैं समझता हूं कि सीनियर ऑफिसर ही अपने व्यवहार से अपने कामों से हमारे नए ऑफिसर्स को ज्यादा इंस्पायर कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। मैं आज के अवसर पर समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। बीपीआरएनडी और फिक्की के सभी अधिकारियों को इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने के लिए और पुलिस एक्सपो आयोजित करने के लिए मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी पुलिस फोर्स को और अधिक जानकारी प्राप्त हो पाएगी और हमारे पुलिस फोर्स और मॉडर्नाइज हो पाएगी। और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं पुनः सभी अफसर्स को अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।